नमस्कार दोस्तों, डीआर क्लासेज बाय सोनू सर में स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम यहां पर देखेंगे आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम लोग फिटर थ्योरी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैनियर कैलिपर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बैनियर कैलिपर्स क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बैनियर कैलिपर्स क्या है, एक जो है सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की मोटाई और गहराई मेजर कर सकते हैं शुद्धता से। तो आइए देखते हैं कि बर्नियर कैलिपर्स होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको जैसा कि चित्र में दिख रहा है, नंबर एक है आपके, नंबर एक में ये देखिए आपको, इसे आउटसाइड जा कहा जाता है। नंबर दो है आपका ऊपर की तरफ देखिए, इसे हम जो है इनसाइड जा कहते हैं। नंबर तीन है आपका जो है, इसे हम जो है डेप्थ प्रोब कहते हैं। यहाँ से देखिए, यानी गहराई नापने के लिए, किसी वस्तु की अगर हम गहराई नापनी होती है तो उसको क्या करते हैं, उस गहराई वाली वस्तु में पीछे की ओर से डाल देते हैं, तो हमें गहराई वहाँ से नाप लेते हैं या मेज़र कर लेते हैं। नंबर चार है आपका मेन स्केल, देखिए ये आपका ये पीछे वाला जो भाग है ये मेन स्केल है। नंबर पाँच है, नंबर पाँच भी आपका मेन स्केल है। एक तरफ देखिए दोस्तों, आपको जो नीचे की तरफ है वो आपके सेंटीमीटर में रीडिंग ली जाती है, और जो नंबर पाँच है ऊपर की तरफ है ये आपकी इंच में माप ली जाती है। नंबर छः देखिए दोस्तों, नंबर छः है आपका इधर, जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। ये आपका वर्नियर स्केल होता है, इसके एक तरफ जो होता है नीचे की ओर जो है हम सेंटीमीटर में, और ऊपर की ओर जो नंबर सात है उसमें हम इंच में रीडिंग लेते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, एक लास्ट भाग है आपका आठ, जिसे हम क्या कहते हैं, रिटेनर कहते हैं। इसका प्रयोग जो होता है वर्नियर की स्केल को एडजस्ट करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थे बर्नियर कैलिपर्स के आठ मुख्य भाग। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, नंबर एक है आउटसाइड जा, इसका प्रयोग जो होता है किसी वस्तु की मोटाई को मेजर करने के लिए किया जाता है। नंबर दो है आपका इनसाइड जा, जिसका प्रयोग किसी वस्तु की गहराई को मेजर करने के लिए, वस्तु के अंदर की गहराई को मेजर करने के लिए किया जाता है। तीसरा है आपका देखिए डेप्थ प्रोब, इसका प्रयोग किसी वस्तु की गहराई को मेजर करने के लिए किया जाता है। नंबर चार है आपका मेन स्केल, इसमें हम सेंटीमीटर में रीडिंग लेते हैं। नंबर पाँच है आपका मेन स्केल, इसमें हम इंच में लेते हैं। नंबर छः है आपका वर्नियर स्केल, इसमें हम सेंटीमीटर में लेते हैं। नंबर सात है आपका वर्नियर स्केल, इसमें हम इंच में लेते हैं। और नंबर आठ है आपका रिटेनर, जिसका प्रयोग जो है हम बैनियर कैलिपर को एडजस्टमेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये था बैनियर कैलिपर्स के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। आइए नेक्स्ट दोस्तों हम ये देखते हैं कि बैनियर कैलिपर्स जो होता है इसका हम जो है लिस्ट काउंट कैसे गणना करते हैं या लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि बैनियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए होता क्या है कि दोस्तों, जो बैनियर कैलिपर की जो 50 रीडिंग होती है, जो बैनियर कैलिपर की 50 रीडिंग होती है वह मेन स्केल के 49 रीडिंग के ही बराबर होती है। अर्थात अगर हम यहाँ से देखें तो जो बैनियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होगा कि जो एक मेन स्केल रीडिंग है वह कितने के बराबर है, 1 mm के बराबर है। लेकिन जो एक वर्नियर स्केल अगर हम रीडिंग करें तो आपको पता है कि जो मेन स्केल है वह 49 है और जो आपका वर्नियर स्केल है वह 50 है। तो एक वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी कितनी हो जाएगी, 49/50। अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करें तो ये हमें मिलेगा 0.98 mm। अब देखिए दोस्तों, जो लिस्ट काउंट होता है वह होता है मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, जो कि हमारा फाइनली लिस्ट काउंट होगा। तो 1 mm जो मेन स्केल रीडिंग है वो आपकी 1 mm है, और जो आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग है वह 0.98 mm है। तो यहाँ से हम अगर लिस्ट काउंट की गणना करें तो वर्नियर स्केल का जो हमें लिस्ट काउंट मिलेगा वह मिलेगा 0.02। अर्थात ये वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है या अल्पतमांक होता है वह 0.02 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों,
ये यहाँ पर हमने देखा कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम ये देखेंगे कि जो हमारा वर्नियर स्केल होता है उस पर रीडिंग कैसे लेते हैं, हाउ टू मेजर रीडिंग वर्नियर कैलिपर्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आपको पूरी एक व्यवस्था दिखाई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको हमने दो जबड़े दिखाए हैं, जो आपके जबड़े हैं उसमें मान लीजिए हमारा कोई जॉब है जो बधा हुआ है, और ये हमारा मुख्य स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है। तो देखिए दोस्तों रीडिंग कैसे लेते हैं, तो इसका जो रीडिंग करने का फार्मूला होता है वह होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो देखिए मेन स्केल, अब आप दोस्तों अगर हम इसे गिने तो देखिए दो, दो के बाद दो तक अगर हम जाएँ तो दो के बाद देखिए ये चार पर है, तो यानी 2.4 सेंटीमीटर का मतलब हमारा जो मेन स्केल का पैमाना मिलेगा वह कितना मिलेगा आपका 24 mm। नेक्स्ट दोस्तों अब जब हम नेक्स्ट मान लेते हैं, नेक्स्ट मान देखिए दोस्तों इस प्रकार लिया जाता है कि जो वर्नियर स्केल है और जो आपका मुख्य स्केल होता है दोनों के जो माप होती है एक ऐसा स्थान होता है जहां पर दोनों एक सीध में होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर हम वर्नियर स्केल में 7 पर देखें तो हमें 7 पर जो माप मिल रही है वह मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल के संपाती है, यानी दोनों एक ही रेखा में है। और आपको पता है कि एक खाने में हम 5 की गणना करते हैं, तो अगर ये 7वां खाना है तो हमारा 7×5 कितना हो जाएगा आपका 35 mm, यानी जो वर्नियर स्केल है उसका माप कितना मिलेगा 35 mm। अब देखिए दोस्तों हमारा फार्मूला क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल होता है उसमें हम लिस्ट काउंट की गणना कर देते हैं। तो देखिए 35 mm था, इसका हमें लिस्ट काउंट पता है 0.02 mm, हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 × 70 यानी 0.7 mm आ गया। अब हमने क्या किया, टोटल 24 mm में इसको मेजर कर दिया तो हमें इसका फाइनल माप मिल गया, अर्थात इस जो आपकी जिस वस्तु की हम माप कर रहे थे वह कितना होगा आपका 24.7 mm। तो दोस्तों ये फार्मूला आप जरूर याद रखें, इससे कभी कभी जो है न्यूमेरिकल भी आ जाता है आपका वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।